BGYCT 131 अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। सबकी अपनी अपनी हाइपोथीसिस है। और सोलर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि हमने थोड़ी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, बट जो हाइपोथीसिस है वो हमारे लिए एक न्यू कंसेप्ट होगा। स्टार्ट करते हैं। द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज सोलर सिस्टम। कॉमन सी चीज़ कि जो कॉन्ग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, एक संग सारी चीज़ का आ जाना, तो सारे स्टार्स का प्लैनेट्स का एक जगह पे आ जाना, उसको कहते हैं हम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ द स्टार्स नोन एज स्पाइरल नेबुला और गैलेक्सी। जैसे कि हमें पता है हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा, उस आकाशगंगा के अंदर किसी एक पॉइंट पे हमारा सोलर सिस्टम है। तो सबसे बड़ी क्या होती है, गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर क्या आता है, सोलर सिस्टम, यही बताया है इसमें। नाउ द प्लेन इन विच द अर्थ ऑर्बिट द सन इज कॉल्ड एन एलिप्टिकल। मतलब कि जो प्लेन है, या कह सकते हैं अर्थ की जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड सन, जैसे कि ये आपका है सन, ठीक है। अब इसके अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है वो कुछ इस तरीके से ऑर्बिट पर कर रही है, ये है सन, अर्थ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सन बीच में हो, ये इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो इस शेप को क्या कहेंगे, एलिप्टिकल शेप। तो इसीलिए यही बताया है कि जो ऑर्बिट है वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। फर्स्ट फोर प्लैनेट्स जो हैं, जो बहुत पास हैं सन के, उनको वो जो है रॉक और मेटल कंटेन करते हैं, और उनको हम टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टेरेस्ट्रियल, क्योंकि उनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिस पर रहा जा सकता है, जैसे कि अर्थ हो गया और आपका मार्स हो गया। एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी और वीनस, वो ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए उसमें हीट की वजह से वहाँ पर रहा नहीं जा सकता। और जो नेक्स्ट फोर प्लैनेट्स हैं आफ्टर दी एस्ट्रॉयड बेल्ट, वो सारे जो हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम कंटेन होता है। आगे वाले फोर के अंदर रॉक्स और मेटल्स हैं, और पीछे वाले फोर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। और इसको हम और क्या कहते हैं, गैस जायंट्स और आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको गैस जायंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए इनको गैस जायंट्स कहेंगे। द सन एंड द प्लैनेट। अब सन और प्लैनेट के बारे में क्या है कि द लेयर दैट फॉर्म्स द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। जो एक विजिबल सरफेस बनाती है अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। द इनर लेयर ऑफ द सन इज इट्स कोर, और जो इनर लेयर होती है उसको कोर कहते हैं, वेयर इट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोना। एक नई चीज़ है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की, सन के एटमॉस्फेयर की, उसको कहते हैं हम क्या, कोरोना। आगे बढ़ते हैं। इनर प्लैनेट्स, अब इसमें कुछ इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनर प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। दीज आर स्मॉल एंड मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, रॉक्स और मेटल्स के बने होते हैं। द रेडिएशन एंड द मैटर स्ट्रीमिंग फ्रॉम द सन ब्लूज अवे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम वाटर एंड अदर लिटिल गैसेस, सॉरी अदर लाइट गैसेस एंड लिक्विड फ्रॉम दीज प्लैनेट्स। अब इनको टेरेस्ट्रियल क्यों कहा जाता है, और इनके अंदर रॉक्स और मेटल्स ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, वाटर है, और भी बहुत सारी लाइट गैसेस हैं, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ रॉक्स और मेटल्स ही बचे। अब कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, पहला है मर्क्यूरी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बुध। ये नियरेस्ट होता है अर्थ के और बहुत स्मॉल साइज का होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। वीनस, वीनस को क्या कहते हैं, शुक्र। एंड इट इज़ लाइक द अर्थ, साइज में भी डेंसिटी में भी बिल्कुल अर्थ के जैसा है। इसमें कुछ वॉल्केनिक फीचर्स भी हैं, बिल्कुल अर्थ के जैसा है, पर इसमें रहा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो अर्थ से कुछ बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ दैट इज़ पृथ्वी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट एंड वी लिव ऑन इट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में ओनली प्लैनेट जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बाहर के सोलर सिस्टम में और भी हो सकती हैं, और भी होती हैं। मार्स, जिसको हम कहते हैं मंगल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट हैविंग अ डायमीटर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ। देयर आर लार्ज डार्क एरियाज ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड मारिया, जिसका मतलब क्या होता है, सीज। बहुत सारे लार्ज डार्क पैचेज हैं इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर, जिसको कहते हैं हम मारिया, जिसका क्या मतलब होता है, सीज। नाउ आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन से आते हैं, सारे जाइंट प्लैनेट्स या जोवियन भी कहते हैं इनको। सो दीज आर गैस जाइंट प्लैनेट्स, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जुपिटर,
जिसका नाम है बृहस्पति. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम. सारा रॉकी कोर है इसके अंदर, ठीक है. इसके अंदर आयरन है, सिलिकॉन है एंड मैनी अदर हैवी एलिमेंट्स. इट इज़ सीम्स मोर लाइक सन इन इट्स कंपोजिशन. बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, सबसे ज़्यादा बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है ये. नाउ सैटर्न, शनि. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. तो फर्स्ट लार्जेस्ट जुपिटर हो जाता है और सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाता है हमारा, शनि. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हैविंग थ्री रिंग्स. इसके पास थ्री रिंग्स होती हैं जो कि इसके इक्वेटर के अराउंड लगी हुई हैं, या फिर कह सकते हैं हम रिवॉल्व कर रही हैं. एंड इज़ विजिबल ओनली थ्रू द टेलीस्कोप. ईजिली विजिबल नहीं होती, ओनली थ्रू द टेलीस्कोप विजिबल होती हैं. नाउ यूरेनस, दिस इज अरुण. इट्स कलर इज प्रोड्यूस्ड बाई द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एंड अमोनिया. यूरेनस के अंदर जो ब्लू कलर है, जो ग्रीनिश ब्लू कलर है, वो किसकी वजह से है, मीथेन और अमोनिया के प्रेजेंस की वजह से है. वहाँ पर मीथेन और अमोनिया के क्लाउड्स हैं उसके आउटर एटमोसफेयर पे. इट इज़ यूनिक बिकॉज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 98 टू परपेंडिकुलर एंड लाइज ऑलमोस्ट इन द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. तो इसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है 98 डिग्री, और इसकी जो एक्सिस परपेंडिकुलर है और ऑलमोस्ट अबाउट द प्लेन लाई करता है सन के, ठीक है. और इसका ग्रीनिश ब्लू कलर किसकी वजह से है, मीथेन और अमोनिया की वजह से. नाउ नेपट्यून, नेपट्यून दिस इज वरुण. इट इज़ ऑर्बिटेड बाय ट्राइटन. ट्राइटन क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन आर सोलर सिस्टम. तो एक किसके इसके अराउंड कौन सी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, ट्राइटन, वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट. और एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करती है, ट्राइटन जो है वो सारी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है अपोजिट टू द प्लैनेट ओन. बाकी सब सैटेलाइट्स जो हैं वो इन द सेम डायरेक्शन रोटेट रिवॉल्व करती हैं एज द प्लैनेट मूव्स. बस ट्राइटन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करती है. इसकी ये थोड़ी खास बात है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड, मीटियोर एंड कॉमेट्स एंड फर्दर मोर. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.